तो शुभम सर, सर इन सूखे पेड़ों पे हरियाली कब कब आएगी? इन सर सूखे कोई पेड़ों पे कोई कोई उम्मीद नहीं एक है महीने के कब अंदर आएगी। 1 महीने के अंदर जब तक XUV500 आएगी या वो पहले आ जाएगी? साथ लेके वो पहले आ जाएगी। अच्छा, तो जी करें स्टार्ट। देख नहीं रहा हूँ ऐसे बोलना। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। आज मेरा हेयर स्टाइल ना थोड़ा थोड़ा आंद्रे रसल की तरह लग रहा है। हाँ ये देखो पास से, थोड़ा थोड़ा आंद्रे रसल की तरह लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कल मैच में तो शायद कुछ कर नहीं पाया मेरा कैप्टन, तो शायद मेरे बालों में आ गया इसलिए। तो आज अजी नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, आरंभ हो रहे हैं, तो मेरी तरफ से नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। माता रानी आपको सुख दे, समृद्धि दे, सब कुछ दे, खुशियाँ दे सबको, सब कुछ दे, और ये भी दे, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई ये है तो मैक्सिमम खुशियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। तो आज अजी ट्यूसडे, बिल्कुल सही दिन पे नवरात्रि जो है शुरू हुई है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, और आज मैंने शो नहीं लगाया, आज मैंने लगाई है आरती माता वैष्णो देवी की, क्योंकि नवरात्रि, तो थोड़ी थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो अभी उठता हूँ, होता हूँ रेडी। आज फास्ट वगैरह मैं रखता हूँ नहीं, क्योंकि भाई साहब मेरे को भूख लगती है बहुत ज़्यादा, और भूख से कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर नहीं सकता। तो उठते हैं, होते हैं रेडी, और दिन की और नवरात्रों की करते हैं शुरुआत, बनाते हैं व्लॉग। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, बट उससे पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं द मैग्नेटिक स्टूडियो और देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। तो कल मैं ये लेके आया था, लिखा तो इस पे बाथरूम फ्रेगनेंस है। मुझे नहीं पता इसको रूम में लगाते हैं या नहीं, बट अगर इसकी स्मेल थोड़ी थोड़ी बाथरूम जैसी हुई तो मैं इसको उठा के बाथरूम में लगा दूंगा। बट पहले ट्राई तो कर लेता हूँ, रूम में लगा के देखता हूँ। फ्लेवर है ये कौन सा? बेरी रश। भाई ओपन करते ही इसको ना इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आई है। ऐसे है तो सही चीज़ है और फ्रेगरेंस भी अच्छी है, बट इसको टांगूंगा कहाँ ये सोच रहा हूँ। अब इसके लिए कोई जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे ज़्यादा नज़र ना पड़े लोगों की, गुप्त जगह पे लगाना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है ये जगह बेस्ट। भाई यहाँ पे कर दिया मैंने इसको फिट, ऑलरेडी एक किल लगा हुआ था, यहाँ पे हो गया, ठीक है ना? तो हम होते हैं रेडी। तो जी टाइम हो रहा है सुबह के 9:15, और मैं हो गया रेडी, और ये हो रहा है कॉफ़ी के लिए पानी गर्म। क्यों? क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में बना भाई शाही परांठा और आलू की सब्ज़ी, तो मैं गया नहीं। और ये यहाँ पे जब तक कॉफ़ी हो रही है रेडी, मैंने बिस्किट लगा दिए हैं, 2 टाइप के बिस्किट, और शो ऑन कर दिया क्योंकि आरती हो गई ख़त्म। तो ये हो गई जी अपनी कॉफ़ी रेडी अपने इस कॉफ़ी मग में, और बिस्किट्स की ना मैंने ऐसे प्लेटिंग की है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि बिस्किट की प्लेटिंग कैसी हुई है। तो मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट और साथ में देखता हूँ शो, आप देखते रहो। तो जी चले, और चलते चलते कर लेते हैं कुछ बातें। क्या बातें करें, कुछ बात है नहीं करने को। मंदिर वगैरह, नवरात्रों में लोग मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, बट हम रामनवमी में देखेंगे शिव जी मंदिर या काली माता मंदिर जाएंगे। और एक चीज़, कोई भी इंसान अपनी खुद की तारीफ करता है, करते हैं, बट मैं अपनी तारीफ एक चीज़ में करता हूँ, मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ कसम से। मैं इतनी अच्छी कॉफ़ी बाजार में पीता हूँ, बैरिस्टा में पीता हूँ, बट बैरिस्टा के मुकाबले की कॉफ़ी बनाता हूँ भाई मैं। तो परिहार सर, प्रभु सर सब निकल गए, और ये शेड इसलिए पहनने पड़े क्योंकि धूप है बड़ी तेज़, साथ में ये वाली भी रखी है क्योंकि काम करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं ऑफिस अकेले ही, बाकी सारे चले गए, आप देखते रहो। ये देखो भाई खतरनाक होते। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई ये खड़ी है त्रिमूर्ति। गुड मॉर्निंग सर एवरीवन, सर ठीक है भाई? ऑफिस के अंदर बैठने के पैसे मिलते, बाहर के नहीं। चलो चलते हैं। तो जी काम की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग टी के साथ। आज चाय मिली है दूध वाली, तो ले में दूध आ गया इसका मतलब। तो काम बड़ा पड़ा भाई,
और मैडम जी झूले गुड मॉर्निंग। झूले सर गुड मॉर्निंग। अच्छा एक चीज बताना मैडम, कल आप बाहर क्यों भागे थे? क्या था? अच्छा मैडम शर्मा रहे थे सर, सर। अच्छा वो थे, अच्छा यहाँ पे कोई आ गया होगा इसलिए। लेकिन मेरे को कंफ्यूजन हो गया था ना मैडम, मेरे को लगा पता नहीं आप क्यों भागे, मेरे को लगा मैडम नाराज हो गए थे, तो इसका मतलब मैडम नाराज नहीं हो ना मैडम नाराज इसका मतलब ठीक है फिर ठीक है। तो भाई हम करते हैं काम की शुरुआत। तो जी टाइम हो रहा है 1:45 और आज हमने सोचा था कि आज जल्दी निकल जाएंगे लेकिन फिर भी लेट हो गए लंच के लिए। तो ये अपने बंदे हैं, इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, तो कुछ पूछते हैं इनको। अच्छा शुभम सर को पूछते हैं। शुभम सर, इन सूखे पेड़ों पे हरियाली कब कब आएगी? इन सूखे पेड़ों पे कोई कोई उम्मीद नहीं है। एक महीने के अंदर जब तक XUV500 आएगी या वो पहले आ जाएगी? वो पहले आ जाएगी। अच्छा तो भाई शुभम परिहार सर बोल रहे हैं कि XUV500 पहले आएगी और इन पेड़ों पे हरियाली जो है वो बाद में आएगी। तो हम चलते हैं, क्योंकि कुछ बात ही नहीं तो ऐसी मैंने ये बात छेड़ दी। तो हम चलते हैं लंच करने, देखते हैं लंच में क्या बना, आप देखते रहो। तो जी हो गया अपना लंच, और लंच में आज बनी थी मूंग की दाल, ग्रीन वाली को मूंगी बोलते हैं मेरे को पता। तो साथ में थी सब्जी जो थी ना वो थी बैंगन। एक्चुअली बैंगन से मेरे को एलर्जी है, मैं बैंगन खाता हूँ खाते ही मेरा गला जो है वो पक जाता है, इसलिए बैंगन मैं नहीं खा सकता। और दही मेरे पास हो गया था ख़त्म, ना मैं इसमें था, इसलिए आज लंच का इतना मज़ा नहीं आया। तो जस्ट दाल चावल थोड़े से खाए और उसके बाद अब भी आ गया रूम में, तो अब करेंगे रेस्ट, साथ में देखेंगे क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड, हाँ कोई भी अच्छा सा जो भी लेटेस्ट सा मिल जाए, उसके बाद चलेंगे वापस से ऑफिस। तो मैं देखता हूँ क्राइम पेट्रोल, आप देखते रहो व्लॉग। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और आज जल्दी कर दिया ऑफ, और मेरे पास दही खत्म हो गया था तो मैं चले गया था दही लेने। ये 4 डब्बे लेके आ गया दही के। और सबसे मुश्किल पता क्या होता है मेरे लिए, जब दोपहर को लंच के लिए आओ और रेस्ट कर रहे हो उसके बाद उठ के वापस ऑफिस जाना, वो बड़ा बड़ा गुस्सा था उस टाइम, तो वो मोमेंट सबसे बेकार होता है। उस टाइम उठ के जाने का मन नहीं करता है, बट जैसे कैसे करके जाना तो पड़ता है। तो अब भी मेरे को शुभम सर बोलने, क्योंकि शुभम सर ने फास्ट रखे हुए हैं तो उनको जाना है दूध लेने। तो दूध वैसे तो मैंने कभी यहाँ पे लिया नहीं, अमूल का दूध तो लिया है पैकिंग वाला, मतलब मैंने नहीं लिया, बट परिहार सर वगैरह लेते रहते हैं, चाय वगैरह बनाते रहते हैं, मैं तो ड्राई यूज़ करता हूँ। तो देखते हैं लिक्विड दूध यहाँ पे कहीं मिलता है या नहीं, मतलब देसी दूध यहाँ पे कहीं मिलता है या नहीं। शायद बाजार में एक दो दुकान है तो वहाँ पे चलते हैं मैं और शुभम सर, लेके आते हैं दूध, और बाकी भी अगर कुछ मन किया तो ले लेंगे। तो हम चलते हैं बाजार बाइक लेके, आप देखते रहो। तो जी देसी दूध की तलाश में निकले मैं और शुभम सर, और पहुँचे हैं कहाँ पे, ये अपना स्काजलिंग। मैंने शुभम सर को बोला कि बैरिस्टा में कॉफ़ी भी पी लेते हैं, बट इनका चल रहा है फास्ट तो ये पी नहीं सकते, कॉफ़ी शायद मना होती है, चाय पी सकते हैं। तो अभी देखते हैं कहीं शायद मिल जाए दूध। तो भाई ये एक शॉप थी, हमको लगा कि इधर होगा दूध, बट भैया ने बोला कि यार दूध खत्म हो गया था थोड़ा आया हुआ, अब भाई अमूल वाला लेना पड़ेगा, डब्बे वाला और क्या। चलो आ जाओ यार। भाई जब कोई शॉप ना मिले ना तो चुप करके चोस्पा में आ जाओ, ये है भाई चोस्पा, और यहाँ पे आपको लगभग हर चीज मिलेगी। तो क्योंकि मेरे भी थोड़े बिस्किट खत्म हो गए थे तो सोचा थोड़े बिस्किट वगैरह ले लेता हूँ। ये ले लिए भाई हमने बिस्किट वगैरह, और शुभम सर का दूध आ गया इसके नीचे, और लेना कुछ। चलो फिर। भाई ऑफ रोडिंग की गाड़ियां देखनी है तो ले में देखो, देखो भाई गाड़ी क्या गाड़ी है यार, वाह। चलो बैठो आप किसको रुके हो। वो कहाँ मिलेगा भाई। तो भाई सामान ले लिया हमने, निकलते हैं अब, हवा बड़ी चल रही है। तो
शुभम सर को ना एक चीज लेनी थी, शेकर लेना था, वो प्लास्टिक का शेकर नहीं होता है, निकल जा भाई। तो इनको लेना था प्लास्टिक का शेकर, क्योंकि इनको मैंगो शेक, बनाना शेक वगैरह बनाना है, पास चल रहे हैं ना इसलिए। तो वो तो उनको मिला नहीं भाई, यहाँ पे कहीं नहीं मिला। तो अभी ट्राई करेंगे ऑनलाइन मिल जाए तो बेटर रहेगा, बट तब तक शायद नवरात्रि खत्म ना हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी इधर चीज पहुँचती है। तो बाकी सामान तो मिल गया लेकिन वो नहीं मिला, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो अभी चलते हैं हम रूम में, आप देखिए। तो क्योंकि बिस्किट हो गए थे मेरे पास ख़त्म, तो थोड़े से बिस्किट लेके आ गया, और अब इनको लगाते हैं अपनी पेंट्री में। ये है मेरी भाई पेंट्री कॉर्नर, यहाँ पे सब पड़ा है, सूप वगैरह, चाय, कॉफ़ी वगैरह बनाने का सामान सारा। तो अब बनाते हैं भाई कॉफ़ी, क्योंकि काफ़ी थक भी गया हूँ मैं, बाज़ार गए थे, तो मैच भी स्टार्ट होने वाला है, वो टॉस हो रहा है, और दिन में जो क्राइम पेट्रोल में देख रहा था ना, उसका ना थोड़ा सा पार्ट रह गया था कोई 20-25 मिनट का। तो अभी 7 बज रहे हैं, तो पहले देख लेता हूँ वो पार्ट, उसके बाद मैच देखते हैं, और टीम भी लगानी है। तो अभी बनाते हैं फिलहाल उससे पहले कॉफ़ी। तो हो गई जी अपने हाथ की बनी हुई कॉफ़ी तैयार, और साथ में चल रहा है क्राइम पेट्रोल। मुझे पता नहीं क्यों, जब तक अपने हाथ की बनी हुई कॉफ़ी नहीं मिले ना, आजकल आदत हो गई है, अब तो मेरे को सुकून नहीं आता। तो अभी मैं बैठ के एक मिनट, हाँ सब ओके, तो अभी बैठ के देखूंगा क्राइम पेट्रोल, उसके बाद टीम भी लगानी है, मैच स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत काम पेंडिंग है मेरे पास। मैं करता हूँ ये सारे काम और आप देखते रहो।